एथॉरिटी एंड अथॉरिटी स्ट्रक्चर फॉर द परपज ऑफ अनैलिसिस एंड आइडेंटिफिकेशन वेबर्स डिटर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी इज सफिशेंट द लाइवलीहुड कमांड ऑफ अटन कंटेंट विल बी ओबेड बाई गिवन पर्सन एथॉरिटी एंड अथॉरिटी स्ट्रक्चर को अगर हम अपनी जुबान में समझना चाहें तो एक वो अथॉरिटी जिस जो कमांड देगा और उस कमांड को फॉलो करने वाला एक वो एक और सेगमेंट जिसको वो ऑर्डर्स को फॉलो करना है यानी एक तो वो ग्रुप है जिसके पास अथॉरिटी है और अथॉरिटी ऑर्डर्स के ज़रिए वो कम्युनिकेट होगी उन लोगों के लिए जिन्हें उस अथॉरिटी को फॉलो करना है सो दिस डिटर्मिनेशन कंटेन्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स अथॉरिटी डी नोट्स अ रिलेशन ऑफ सुप्रा एंड सब ऑर्डिनेशन यानी आसान बात है कि एक अपर लेवल वाला है और एक लोअर पर है ऊपर वाले के पास चूँकि अथॉरिटी है लीगल है, है उसने ऑर्डर देना है और वाकियों को उन ऑर्डर्स को फॉलो करना है द सुप्राऑर्डिनेटेड साइड

कि उसके ऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग रूल्स रेगुलेशंस हों जितनी डिटर्मंड हुई है अथॉरिटी उसी तरीके से ऑर्डर्स जो हैं वो नीचे सर्कुलेट होंगे तभी वो ऑर्डर्स जो हैं वो ओबे भी किए जाएंगे फिर दूसरी बात एक और जो है बात है दैट अथॉरिटी इज़ अजिट रिलेशन ऑफ सुप्रा एंड सबऑर्डिनेशन अथॉरिटी इज नॉट बेस्ड ऑन पर्सनल और सिचुएशनल चांस इफेक्ट्स बट रादर ऑन एंड एक्सपेक्टेशन एसोसिएटेड विद सोशल पोजिशन ये पूरी दुनिया के अंदर एक रिकगनाइज पैटर्न है कि अथॉरिटी वही होती है जो लजिटमेट हो यानि लीगल हो कॉन्स्टिट्यूशनल हो और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो अगर लीगल रैशनल अथॉरिटी होगी तो डेफ़िनेटली उसकी तरफ़ से दी गई जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ख़ुद ब ख़ुद मानी भी जाएंगी और उनको मानने के अंदर पूरे के पूरा जो अथॉरिटी स्ट्रक्चर है उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव भी होगी क्योंकि जब लोग मानेंगे अथॉरिटी को तो उन्हें पता होगा कि इस अथॉरिटी को मानने में इन कमांड्स को मानने में उनकी बेहतरी है ऐसे ही सिस्टम के अंदर जब प्रॉपरली क्लियर कट या डिटर्मेंट होगा कि किस कौन सी अथॉरिटी किसके पास है वो अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने का फॉर्मूला भी डिटर्मेंट होगा तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिस्टम की फंक्शनिंग में सिस्टम को रन करने में फैसिलिटेटर के तौर पर रोल प्ले करती हैं सो द राइट ऑफ अथॉरिटी इज़ लिमिटेड टू सर्टन कंटेंट्स एंड टू द स्पेसिफिक पर्सनस स्ट्रक्चर के अंदर क्लियरली डिटर्मेंड होता है पैटर्नाइज uh, होता है कि किसके पास क्या इख्तियार हैं और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा फेलियर टू ओबे दिस इम्पॉर्टेंट सिस्टम दैन देयर ऑलवेज अ लीगल सिस्टम विच गार्ड्स द इफेक्टिवनेस ऑफ अथॉरिटी अब हर सिस्टम जो है वो अपने अंदर एक लीगल सिस्टम रखता है ताकि अगर कहीं वायलेशन हो तो उस लीगल सिस्टम के थ्रू ऑर्डर्स जो हैं उनको मनवाया भी जा सके या अगर कहीं पर सूरत हाल ज़्यादा गंभीर है तो अथॉरिटी के बारे में जो वजाहत दरकार होती है अगर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट राइज कर जाता है तो थ्रू लीगल सिस्टम एक तो मेंटेनेंस होगी अथॉरिटी की दूसरा अगर कहीं ज़रूरत है उस किसी भी वजाहत की तो लीगल सिस्टम के जरिए उस अथॉरिटी की वजाहत भी की जा सकती है सो द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ द दिस इम्पॉर्टेंट मॉडल वी कैन से दैट देर आर वेरियस ग्रुप्स दोज हैव टू कोऑर्डिनेट एंड बट अगेन द क्वेश्चन अराइजेज कि अगर अथॉरिटी भी हैं अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स भी मौजूद हैं तो फिर अगर कहीं सूरत हाल में ख़राबी पैदा हो जाए तो फिर क्या जवाब होगा फिर कौन लुक आफ्टर करेगा इस सारी सिचुएशन को यहाँ ये कहा जा सकता है कि वो लोग जिनके पास बेसिक जो राइट्स मौजूद हैं यानी जो सिविल राइट्स रखने वाले आम लोग हैं जिनके पास राइट टू फ्रीडम है लिबर्टी है वो अप, अपनी बात कह सकते हैं अपनी बात सोच सकते हैं लिख सकते हैं ये तमाम राइट्स जो हैं अगर बुनियादी हकूक़ अथॉरिटी ना देना चाहे तो तब क्या होगा लाजमी बात है कि अथॉरिटी जो है वो बाउंड है कि वो लोगों को उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम ना करे और वो क्यों क्यों ऐसी क्यों सूरत हाल है क्योंकि बेसिकली अथॉरिटी ही प्रोवाइडर है उन तमाम वो सेफ़ गार्ड है कि लोगों को उनके हकूक़ पूरी तरह से मैसर हैं या नहीं अब जो अथॉरिटी स्ट्रक्चर की व्हेन वी वांट टू टॉक अबाउट अथॉरिटी स्ट्रक्चर व्हाट इज़ दैट दैट इज एक्चुअली द होल स्ट्रक्चरल डायमेंशंस दैट हु हैज़ द पावर एंड व्हाट टाइप ऑफ पावर्स एंड वेयर आर द लिमिटेशंस ऑन द यूज ऑफ सच पावर्स तो जब हर मुल्क के पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक आइन है एक कानून है तो हर फर् जब उस कानून के दायरे कार में रहते हुए अमल करेगा तो मुशरे के अंदर क्या चीज़ होगी एक व जब्त भी होगा और अथॉरिटी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप भी कायम हो जाएगा और अगर कहीं ये सिस्टम प्रॉपरली अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस करेगा तो तब कौन लुक आफ्टर करेगा तब लीगल सिस्टम लुक आफ्टर करेगा और अगर कहीं पर लीगल सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हो तो फिर हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी अथॉरिटी को एक लिमिट से क्रॉस करते हुए फिर लोग उस पर एहताज भी करते हैं और कभी कभार ये एहत जो है वो संगीन सूरत हाल भी इख्तियार कर लेता है तो अथॉरिटी की मेंटेनेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स हैं और अगर अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपरली परफॉर्म करें तो उसका बेनिफिट क्या होता है उसका बेनिफिट ये होता है कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो कम राइज होते हैं और जब सोशल कॉन्फ्लिक्ट कम राइज होंगे तो फिर जो फंक्शनल अप्रोच है वो प्रॉपरली सिस्टम्स uh, के अंदर हमें नज़र आती है और यही इस फिलोसफर की बुनियादी थेरी है जिसकी वजह से इनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नाम कंसिडर होता है एज द पोलिटिकल सोशोलॉजिस्ट